नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो में सिर्फ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको अपने बचपन की चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि हां भाई मैं बचपन में क्या चीज़ें करता था, कैसे करता था। मतलब जो जो साउंड या जो म्यूज़िक आजकल आप लोग सुनते हो ना, मैं उस टाइम आई थिंक 10-12 साल का ही था। उस टाइम मैं ये वाले काम कर चुका हूँ, बट फ़र्क इतना था कि इतने पावरफुल सबवूफर स्पीकर नहीं थे, और फ़र्क ये भी था इतने पावरफुल एम्पलीफायर भी नहीं थे उस टाइम पे। देखो मेरे टाइम में तो नहीं थे, बाकी मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे अवेलेबल होते थे कहाँ पे नहीं। भाई मैं तो एक छोटे से गांव में रहता था और वहाँ पे तो ये सब चीज़ें अवेलेबल थी ही नहीं भाई, बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता कब कौन सी चीज़ आई है, बट मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। ये जो आपको होल दिख रहा है, देखो इस यहाँ से हवा निकलती थी, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्लू भी आपको दिख रही है। मैंने पाइप को चिपकाया हुआ था, अगर ध्यान से देखोगे वहाँ पे थोड़ी सी ग्लू दिखेगी आपको। और मैं अभी आपको सब वूफर उठा के दिखा देता हूँ कि नट, ये विश्वास के लिए दिखा रहा हूँ आपको मैं। पे स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू लगाया करता था, देख लो आप लोगों के सामने। कभी आप सोचो रोहित हमारा पागल बना रहा है। ये देखो बहुत बहुत पुरानी बात है ये, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 20 साल पुरानी बात होगी ये। तो तब मैं इसमें नट बोल्ट लगा के चलाया करता था। और भी आ जाएंगे यहाँ पे, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, मतलब चारों के चार आ जाएंगे, चारों दिखा दूँगा आपको। अभी दिख नहीं रहे, बंद हो गए हैं। ये कहाँ पे था, ये रहा, ये देखो, ये यहाँ पे अटकाता था मैं इसको, स्पीकर को। बट भाई जब ये बजता था ना, तो भाई पता लगता था चीज़ का कि हाँ भाई, भाई गाँव में बहुत लोगों ने कोशिश की कि रोहित से तगड़ा सिस्टम लेके आना है, तो बट लेके तो बहुत आए, बट बज नहीं पाया मेरे जैसा जो जुगाड़ मैंने कर रखा था इसके जैसा। तो भाई कहने का मतलब सिर्फ ये था कि देखो भाई उस टाइम पे सॉन्ग नहीं हुआ करते थे ऐसे लो बेस के। देखो मैं शुरू से ही बताता हूँ आपको, मेरे को पंच शुरू से ही पसंद नहीं था, मेरे को पसंद थी लो बेस। और उस टाइम लो बेस उसमें, मतलब जो सॉन्ग आते थे उनमें थी ही नहीं मेरे भाई, स्पेशली मैं आपको बता दूँ ये बात, उस टाइम लो बेस थी नहीं, लेकिन मुझे लो बेस सुनना पसंद था। मैं ना सब वूफर को, मतलब स्पीकर को मुक्के मार मार के लो बेस निकालता था कि यार ऐसी बेस क्यों नहीं आती हमारे गानों में। तो भाई यही चीज़ थी जब मैं इसको चलाता था। बट भाई अब का टाइम और वो टाइम बहुत अलग है। यहाँ तक कि हमारे पास गाड़ी हुआ करती थी टाटा सुमो, उसके अंदर भी मैंने ये रखा हुआ है, क्या सुनोगे और आप। लेकिन जब वो जाती थी ना, तो भाई सबकी आंखें उसी के ऊपर होती थी जब वो बजती थी, उस चीज़ का मज़ा ही अलग था। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भाई जो लोग, जो आप लोग ये सब सुन रहे हो ना इस टाइम पे, मतलब अपनी गाड़ियों में, ये मैं 20 साल पहले सुन चुका हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भाई मेरी बुराई करते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं, ठीक है, कि रोहित कैसे यहाँ तक पहुँच गया, रोहित को कुछ पता ही नहीं है। भाई मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं तो अभी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता अभी तक, कुछ भी। मैं मानता ही नहीं अपने आप को कि मुझे कुछ आता है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। बस फ़र्क इतना है कि देखो मेरा शौक़ था ये बचपन से, तो इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा और अपने इस काम को यहाँ तक लेके आया। बस फ़र्क यही था दोस्तों, बाकी मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है भाई। अगर टेक्निकली देखें तो भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ज़ीरो हूँ इस चीज़ के अंदर, ये चीज़ जान लो। जो मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझसे हेट करते हैं ना, उनको मैं यही जवाब देना चाहूँगा, भाई मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, ये चीज़ सुन लो। बस ये है कि भाई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ निकल जाता है। और भी अपने एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ज़रूर कि क्या चीज़ मेरे दिमाग में कैसे आई थी। और उस टाइम तो भाई ये होल वोल हुआ भी नहीं करते थे, सच बताऊँ आपको मैं, ये जबकि मैं बात बता रहा हूँ, उस टाइम तो पोर्ट वगैरह का मेरे ख्याल से नॉर्मल आते थे, ये जेके पेके के स्पीकर आते थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है बिरको जेके ये सब आते थे, उन वो सील्ड हुआ करते थे। पोर्ट का तो मतलब ही नहीं था कहीं पे भी, ये पोर्ट भी मैंने खुद अपने हिसाब से तैयार किया था। अब भाई मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कौन सी टेक्नोलॉजी कब आई थी, लेकिन मैं अपने हिसाब से चला हूँ हर एक चीज़ को लेके, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और कुछ लोग मेरे भाई ये भी बोलेंगे कि भाई इतनी पुरानी ये पानी की टंकी आपके पास कैसे पड़ी रही। ये भाई स्टोर रूम में पड़ी रहती हैं हमेशा, अब यहाँ पे हमारा काम चालू है तो वहाँ पे ये काम आ रही है, थोड़ी सी पानी वानी के लिए घर वगैरह बनवा रहे हैं तो वहाँ पे ये काम आ रही है, ये
स्टोर रूम में रखी रहती हैं हमेशा। और एक एक एक, एक टैंकी और है, जो टैंक है वाटर टैंक, वो मैंने तोड़ा हुआ है इसी चक्कर में, हर जगह से होल करके मतलब तोड़ दिया था मैंने वैसे ही। ये तीन थी हमारे पास, याद है मुझे अब भी, और ये भी किसी एक रीज़न की वजह से आई थी। तो दोस्तों अब ये सब दिखाने का मेरा एक मतलब था, मेरा ये मतलब था कि देखो शर्माओ मत मेरे भाइयों, जिसके पास जो चीज़ें हैं वो आप शेयर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बता सकते हो कि हाँ भाई आप लोगों ने कैसा सिस्टम शुरू में, अभी अभी दो तीन चार दिन पहले की बात है, पता नहीं हफ्ते पहले की बात है, एक लड़के ने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, अपना फेसबुक ग्रुप है आप लोगों को पता ही होगा, बिग्रो के नाम से है, ओल्ड एंड न्यू, और उसमें एक बंदे ने पोस्ट शेयर की हमारे साथ। उसने अपने घर की जो मतलब कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, मेरे को समझ नहीं आ रहा, घर की दीवार सी है कि दीवार के अंदर ही दो सबवूफर लगाए हुए हैं बंदे, दो स्पीकर एक सबवूफर, मतलब मुझे वो जुगाड़ इतना अच्छा लगा भाई, सोच के ये हुआ कि हाँ मैं भी ये काम करता था। तो आप भी दोस्तों वहाँ पे जाके शेयर करो चीज़ों को। तो दोस्तों अभी आपने सब कुछ देख ही लिया है, मैं बाकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे कैसे मैं काम करता था, किस हिसाब से काम करता था, कैसे मैंने एम्पलीफायर बनाए, कैसे मुझे स्पीकर मिले, सारी चीज़ें बताऊँगा, धीरे धीरे बताऊँगा, कभी कभी बीच में एक ऐसी वीडियो ले आया करूँगा आप लोगों के लिए। बाकी भाई मैं उनसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे बुरा मत समझो, मैं बुरा नहीं हूँ, जैसा आप लोग समझ रहे हो, मेरे कुछ भाई हैं जो मुझे गलत समझ रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है भाई, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ भाई, मैं ज़ीरो हूँ, और क्या सुनोगे बताओ, मैं ज़ीरो हूँ, बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मत मानो कि मुझे कुछ आता है, मैं बस ये मान लो कि ये पागल सा बंदा है, बोलता रहता है बस, ना मत देखो मुझे यार। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग भी अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, जो चीज़ आप लोग अभी चला रहे हो या फिर कभी के टाइम में आप लोगों ने चलाई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।